दोस्तों ये ध्यान जरूर रखना है कि हमको चार्जर लगाकर शॉर्टिंग नहीं निकालना है। आपको मैं इजी वे तरीके से मैं बताऊंगा कैसे हम इस बोर्ड को सॉल्व करेंगे। तो चार्जर कभी भी नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। शॉर्टिंग में चार्जर लगा के चेक नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। इस सीपीयू में शॉर्टिंग है, अगर मैं ऐसा कहूंगा तो ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारा 19 वोल्ट शॉर्ट होना मतलब खाली कैपेसिटर शॉर्ट होना नहीं होता है, सीपीयू से भी होता है ये इशू। आइडेंटिफाई करेंगे एकदम सेफ तरीके से, एकदम आसानी तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा 19 वोल्ट शॉर्ट है तो वो क्या शॉर्ट है, कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर सीपीयू शॉर्ट है। और इसमें सेफ तरीका भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मशीन का, ठीक है, डीसी मशीन का यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा कि किसी इजी तरीके से बिना बोर्ड को डैमेज किए हम 19 वोल्ट शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एकदम आसान तरीका, जो कि हमारे कई दोस्तों के पास कोई सामान नहीं होता है शॉर्टिंग चेक करने के लिए, तो मैं एकदम सरल तरीके से मैं इस बोर्ड को शॉर्टिंग निकालने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये इस प्रोब को, हम मल्टीमीटर के प्रोब को मशीन में लगाएंगे, जो कि यहाँ देखिए मैं मशीन में लगा रहा हूँ, ये इसको मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, मशीन पे। और ये हमारा मशीन जो है 19 वोल्ट है, उसे हम कम कर देंगे, इसको हम कर देंगे 0.5 कर देंगे। 0.5 करने से हमारा ये होगा कि हमारे मशीन में जो भी चीज़ ख़राब है वो जलेगा नहीं, वो शॉर्ट नहीं होगा, उसका ट्रैक जो है वो ख़राब नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे कि ब्लैक प्रोब जो है हमारा को ग्राउंड पे रखेंगे, और यहाँ हम देखेंगे कि हमारा हीट सिंक लगा हुआ है। पहले चलो हीट सिंक निकाल लेते हैं, इस हीट सिंक को फटाफट निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने हीट सिंक दोस्तों निकाल लिया। अब ब्लैक प्रोब को यहाँ रखेंगे, और यहाँ रखने के बाद अब हमारा मल्टीमीटर कहाँ पर टच करना होगा। अब देखिए ये हमारा सबसे पहले यहाँ देखिए हमारा ये डीसी जैक लगा हुआ है, डीसी जैक का प्लस पॉइंट यहाँ रेड प्रोब दिख रहा है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा किधर जा रहा है, पिन नंबर 1 और 2 किधर जा रहा है वो नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम अगर देखें तो ये हमारा फर्स्ट माउसफेट है और ये हमारा सेकेंड माउसफेट है ना, तो यही हमारा माउसफेट है। तो इसको ट्रेस कैसा करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए हमारा ट्रैक विजिबल नहीं दिखा रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको डायोड मोड पे रख के मैं केबल को मल्टीमीटर में लगा दूं वापस। अब हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा माउसफेड जो है फर्स्ट माउसफेड वो कहाँ है, उसको हम यहाँ पे टच करके और फर्स्ट माउट पे इसके ड्रेन पे रखेंगे। अब वहाँ देखेंगे हमारा 0-0 दिखा रहा है, मीन्स ये हमारा फर्स्ट माउसफेड है। अब फर्स्ट माउट के बाद इसके सोर्स पे रख के इसके बगल वाले पे टच करेंगे तो हमारा इससे क्या होगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा ये सेकेंड माउसफेट है ना। इसके सोर्स पे रख के मैंने इसके ड्रेन पे या सोर्स पे रखा हूँ, ये देखिए हमारा 0-0 दिखा रहा है, मीन्स कनेक्टिविटी इसके साथ में है। अब यहाँ से हमारा क्या हुआ कि सेकेंड माउसफेट से हमारा ये SLR पे टच कराऊँ, मैं SLR बोलता हूँ, SLR पे टच किया तो ये हमारा 0-0 दिखा रहा है, मतलब ये हमारा फर्स्ट माउसफेट, सेकेंड माउसफेट, ये हमारा SLR। अब हम मशीन कहाँ टच करेंगे, मैं इसको लगा दूँ केबल को। अब हम इसको दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड माउस पे टच नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हमारा ये अगर ये डैमेज हो, जैसे मतलब ये हमारा 19 वोल्ट गेट से शॉर्ट हो, तो हमारा जो है चार्जिंग आईसी जो है, जो कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये जल सकता है, शॉर्ट हो सकता है, फिर हमको ये भी चेंज करना है, या फिर चार्जिंग में, बैटरी चार्जिंग में दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पे और यहाँ पे टच नहीं करेंगे, हम सीधा SLR पे टच करेंगे, ये हमको बाईपास करके हम डायरेक्ट SLR पे चेक करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि अगर सपोज मैं इसको लगा दिया के बाद, अगर सपोज कि हमारे को मालूम करना है कि हमारा 19 वोल्ट शॉर्ट है शॉर्टकट में, तो यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर पे हम टच करके जान सकते हैं कि ये हमारा 19 वोल्ट शॉर्ट है। ये देखिए हमारा 19 वोल्ट शॉर्ट दिखा रहा है, ऐसा भी तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सीधा SLR पे रख दो और वहां से मालूम पड़ जाएगा हमारा 19 वोल्ट शॉर्ट है। अब हम यहाँ जानेंगे कि देखिए ये CPU हमारा शॉर्ट है क्या नहीं, है ना, CPU शॉर्ट है क्या नहीं, वो जानने के लिए हमको इसके जो कॉइल होते हैं वी कोर, उस पे हम डायोड मोड पे रख के इस पे हम ओम्स देखेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा 0.010 आ रहा है, मीन्स ओके है। और यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 0.005 आ रहा है, तो ये भी ओके है। एक और जगह चेक करना होता है, ये देखिए हमारा यहाँ पर टच करेंगे तो हमारा 3.9 ओके है, PCH ओके है, ये चेक हो जाता है इन दोनों पिनों पे रख के। देखिए दोनों साइड हमारा ओम्स दिखा रहा है, मीन्स हमारा CPU रिलेटेड इसमें कोई भी इशू शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। अब हम ये समझ सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर ही शॉर्ट है। अब मैं यहाँ पे फिर से इस केबल को मैं मशीन में लगा देता हूँ, यहाँ मशीन में लगाया और हमारा 0.5 पे सेट है वोल्टेज मशीन का। अब मैं सीधा SLR पे टच करता हूँ तो यहाँ पर सेफ तरीका देखिए हमारा कितना दिखा रहा है, 0.5 पे मशीन को रखा हूँ और यहाँ पर मैं SLR पे टच करता हूँ, इस पे टच करने के बाद वहाँ देखिए 1.2 दिखा रहा है, मीन्स हमारा 1-2 एम्पियर खींचना चाहिए तभी हमें हीटिंग का एहसास होगा।
अब यहाँ पर हमको टच करना है और देखना है कि क्या चीज़ हमारी हीट हो रही है। मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कोई कैपेसिटर हीट हो रहा है या नहीं। सपोज़ यहाँ पे हमको हीटिंग का एहसास एकदम बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जो कि हमारा एम्पियर कंजम्पशन जो है वो थोड़ा बढ़ेगा, 2.5 तक जाएगा। तो मैं यहाँ पर 0.9 कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं टच करता हूँ। यहाँ पर अभी कंजम्पशन और कम हो गया है, ये देखिए मैं टच करता हूँ, ये देखिए थोड़ा और कम हो गया है। तो मैं इसको और थोड़ा बढ़ाऊँगा, 1.4 कर देता हूँ और फिर टच करता हूँ। अब वहाँ देखिए हमारा एम्पियर जो है 2 के आसपास पहुँच गया है ना, ज़्यादा पहुँच गया है। तो थोड़ा सा और कम करके 1.2 करके यहाँ पर टच करता हूँ और देखता हूँ क्या चीज़ हीट हो रही है। यहाँ पे मेरे को एहसास हो रहा है कि यहाँ पर कुछ हीट हो रहा है ना, ये देखिए हमारा 2.5 तक एम्पियर कंजम्पशन पहुँच गया है और यहाँ पर हल्का सा कुछ हीटिंग जैसा इशू, हीट जैसा लग रहा है। तो मुझे हो सकता है ये कैपेसिटर का इशू हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए इस पेस्ट को मैं यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट है यहाँ पर मैं इस पेस्ट को सारी जगह में लगा देता हूँ। ये पेस्ट तो सभी के पास होता है, ज़रूरी नहीं कि हमको स्मोक वाला सिस्टम रखना है, नहीं वो नहीं चाहिए अपने को। हम खाली ये पेस्ट लगा देंगे और फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं SLR पे टच करता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि क्या चीज़ हीट हो रही है। जब ये मेल्ट होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ हमारा ख़राब है। इसके पीछे एक बार देखेंगे कि इसके पीछे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए ये जस्ट। तो यहाँ पर भी एक बार हम लगा देते हैं पेस्ट को और इस पर हम चेक करेंगे। यहाँ पर मैं टच करके, ये देखिए दोस्तों इसने स्मोक छोड़ दिया है, देखिए दिख रहा है हल्का सा धुआं निकल रहा है, मींस हमारा कैपेसिटर मिल गया है इजी तरीके से। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस कैपेसिटर को निकालेंगे, हमारा जो प्रॉब्लम मिल गया है इसके, इस कैपेसिटर को मैंने निकाल दिया दोस्तों। अब हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये मैं यहाँ से कैपेसिटर निकाल दिया हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा जो शॉर्टिंग है वो निकल चुका है, एम्पियर जो कंजेशन करता था वो अभी शॉर्ट आउट हो चुका है और यहाँ से हमारा शॉर्टिंग जो है देखिए हट चुकी है, ओम दिखाने लगा है। दोस्तों मैं इजी वे में बताया हूँ कि इस मदरबोर्ड को कैसे हमने शॉर्टिंग निकाले। इसी तरह फॉलो कीजिए बिना डैमेज किए, ठीक है, और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।